तो अभी मेरे पास ये नया टायर है जो कि बेडरॉक कंपनी का है, देख सकते हो बेडरॉक लिखा हुआ है। स्पीड टिकी मैक्सिमम 130 किलोमीटर पर आवर। इस टायर की 2021 मैन्युफैक्चरिंग है, सर R1 टायर है और ये बहुत महंगा नहीं आता, ये थोड़ा MRF और इन सब और अदर ब्रांड से सस्ता आता है। और 120 80 17 इसका रिम का डायमीटर है, 120 विड है इसकी, 80% हाइट और 17 इंची रिम का साइज है अंदर का। और देख सकते हो टायर कितना बढ़िया टायर लग रहा है ये। और ये टायर जो मेरा MRF का टायर लगा है ये उससे काफ़ी पतला टायर है, देख लो आप। और ये मेरा टायर लगा है जबकि ये भी नया ही टायर है। और इस टायर मुझे दिक्कत ये आ रही है कि ये बहुत मोटा हैवी टायर है, और टायर मोटा होने की वजह से एक ही दिक्कत है कि इसके अंदर हवा ज़्यादा आती है और 5-6-10 किलो गाड़ी हैवी हो जाती है और ग्रिप ज़्यादा लेती है और टॉप स्पीड में थोड़ा सा दिक्कत होती है अचीव करने में। तो टायर चेंज करने से, पतला टायर लगाने से आपका इनिशियल बहुत तेज़ हो जाता है। तो अभी हम इस टायर का खोल के और इस टायर को चेंज कर देते हैं और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे आपको कैसे टायर चेंज किया जाता है। और हाइड्रोलिक मशीन से हम लोग टायर चेंज करेंगे, कोई मतलब पेचकस से पाना लगा के नहीं करेंगे। और टायर खोलना शुरू करते हैं हम। तो अभी हमने बोल्ट ढीले कर दिए इसके। टायर अपना खोल लिया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है और ये टायर अभी बिल्कुल यूज नहीं है, कम से कम 1 month ओल्ड टायर है ये। अभी 90% लाइफ है अभी टायर की और मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉप एंड नहीं मिल रहा, क्योंकि टायर बहुत हैवी लगा है इसमें। ये देखो इसके उसके साइज में कितना डिफरेंस है, ये कितना पतला है वो कितना मोटा टायर है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अभी हमारा ये टायर निकल आया है और एक भी पंचर नहीं है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है डेट 2021 की है। अभी ये टायर मेरा इंस्टॉल हो रहा है और देख लो कितना बड़ा बच्चा इंस्टॉल कर रहा है, मुश्किल से 10-12 साल के हो। क्यों 10 साल के हो? 12 साल के हो? 11 साल के हो? तो हमारे पास टीम में देखो एक ये 11 साल 10 साल का लड़का है, एक ये 11 साल का है जो कि टायर मशीन से चढ़ा रहा। भाई कितने अपने आप में ही टैलेंट है। तो छोटे पड़ गए बेटा तुम, कब से काम कर रहे हो? जल्दी सीखे हो? बहुत सही बेटा, बहुत सही। तुम्हारी ऐसे काम हम भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तब जाके इतनी नॉलेज हुई है। समझे? ये टायर हमारा चढ़ चुका है और बहुत जबरदस्त दिख रहा है टायर। तो अभी मेरा टायर ये बिल्कुल कंप्लीट तरीके से चढ़ गया और कोई भी लाइन आउट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल गया। अब चलो गाड़ी में चल के इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस पर काफी सही लग रहा है टायर, तो अभी इसको फिटिंग कर देते हैं और वापस से देखते हैं क्या लुक आता है टायर का। तो अभी मैंने टायर को पूरा इंस्टॉल कर दिया है और इधर चेन बची है मेरी, और ये देखो मेरा सब इंस्टॉल हो गया इधर से, सिर्फ एक बोल्ट कसना है। और टायर देखो बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये, और ग्रिप के मामले में बहुत अच्छा है, मैं पहले भी यूज़ किया हूँ ये टायर। और ये पतला मैंने इसे डाला आप लोग को तो पता ही है। और ये टायर चाहिए हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को दिलवा सकता हूँ ये टायर। और बहुत ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, 2000 के रेंज के अंदर का टायर है ये। और ये मेरा ओल्ड टायर निकाल दे, ये भी बिल्कुल न्यू रखा है, तो ये भी मेरा टायर काम ही आएगा बाद में, कि वो टायर ज़्यादा अच्छा है, कॉस्टली आता है थोड़ा। मुझे टायर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, बाइकर बॉय दानिश के नाम से मेरा पेज है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।